नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा आज इंडियन हॉबी क्लब में कपिल जी से 100 रुपए के नोटों के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। कपिल जी, अरुण जी, देखिए आज आप हमारे पास एग्रीकल्चर के नोट लेके आए हैं जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर 100 रुपए का नोट एग्रीकल्चर का होता है तो वो महंगा नहीं होता है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर नोट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर गवर्नर्स होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। और दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आपको इसमें ये चीज बताऊं, कुछ फेक बनाने वाले नोटों ने इसमें कुछ फेक नोट भी बनाए हैं, जो कि पीछे ये जो तीन लेडीज बनी हुई हैं वो तीन की जगह पांच कर दी हैं, चार कर दी हैं, फिर ये कह के बाजार में बिकता है कि ये रेयर नोट है। ये डुप्लीकेट नोट है जिसमें तीन की जगह चार या पांच होती हैं। ये मेरे ख्याल से पीकॉक वाले में भी, हाँ, जैसे पीकॉक वाले नोट बनाते हैं लोग 10 रुपए के पीकॉक, उसमें रेगुलर जो नोट आता है उसमें मेरे ख्याल से दो पीकॉक होते हैं, उसको तीन और एक भी कर देते हैं, तो पता नहीं कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, इन सब चीजों से बचें, इन सब फेक वीडियो से, और ये महंगे होते हैं, ये इन सब से बचें। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो नोट है उसमें कितनी वेराइटी आती है। देखिए, एग्रीकल्चर के नोट में आईजी पटेल आता है, सी रंगराजन आता है, ये कोबाल्ट ब्लू में आता है, ये भी दोनों एग्रीकल्चर, दोनों सेम है पर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है, ये कोबाल्ट इशू कहलाता है। हाँ, इसमें एक एस जगन्नाथन आता है, एक एम नरसिंगम आता है, फिर इसमें के आर पुरी भी आता है और आईजी पटेल भी आता है इस वाले डिजाइन, और इस वाले डिजाइन में आता है मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए इसमें स्केयर कैटेगरी में जो आता है वो होता है आईजी पटेल। आईजी पटेल का, आईजी पटेल पिंक वाले में, सर पिंक वाला और कोबाल्ट ब्लू दोनों ही स्केयर आते हैं, ये थोड़ा सा कम आता है, कलेक्टेबल है लेकिन आप ये मत समझिए कि ये बहुत ज्यादा कलेक्टेबल, तो ऐसे हर तरह का हर इशू आपके पास होना चाहिए। मनमोहन सिंह थोड़ा सा कम आता है, सी रंगराजन, आर एन मल्होत्रा बिल्कुल कॉमन होता है, इसका कोई रेट नहीं है, यदि यूएनसी कंडीशन में भी है तो भी मान के चलिए 100 रुपए के, बहुत ज्यादा करके 150 या 160 खाली, यदि यूएनसी कंडीशन है। और इसी के यदि आप आईजी पटेल या मनमोहन सिंह यूएनसी कंडीशन में देखते हैं तो दोस्तों इसका रेट मान के चले करीबन स्टार्टिंग 200 से है, 200 से 500 के बीच में, मनमोहन सिंह 500 में भी जाता कई बार, ये वाला जो है ये। अब हम जाते हैं कुछ रेयर नोटों पे, जो कि है, मैं इसको हटा के इस पे बात करना चाहूंगा, ये है एम नरसिंगम 100 रुपया। तो दोस्तों, ये एक सबसे रेयर नोट है इस इशू में, और इसका मार्केट प्राइस मरेसी मरी कंडीशन में 1500 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में इसका रेट है 15000 रुपए। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जिस तरह से ये इसके अंदर छेद दिखाई दे रहे हैं, ये खराब कंडीशन में है तो इसका वैल्यू कम है, अगर ये बिल्कुल करारा नया अच्छी कंडीशन में होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करता है आप नोट को किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से संभाल के रखा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब ये नोट भी अगर आप देखें पुराना होने के बावजूद सीधा है बिल्कुल, अगर आप ऐसे पकड़ रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा, फोल्डेड नहीं है, तो इसके रख रखाव पे भी इसकी कीमत का फर्क पड़ता है। अब देखिए, इसी के अंदर एक इशू और आता है, ये है एस जगन्नाथन, ये भी कोबाल्ट इशू में आता है और ये भी एक रेयर नोटों में से है। सर, इसका भी रेट 1500 से लेकर 15000 के बीच में, ये दो नोट ऐसे आते हैं जो कि दोनों रेयर हैं। तो मैं आप लोगों से यही चीज समझाना चाहता हूँ, हमारे पास कुछ बंदे ऐसे नोट लेके आए कि इसमें कोबाल्ट ब्लू में इस तरीके से गड्डी लेके आए और वो कहने लगे कि सर ये एक एक नोट 15000 रुपए का है। तो दोस्तों, मैं उनको ये चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये दो इशू ऐसे होते हैं जो कि महंगे होते हैं, इसके अलावा कोई भी इशू महंगा नहीं है। एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको, आरबीआई जब भी कभी नोट छापती है तो जिस दौरान जिस पीरियड में ये नोट छप रहा होता है उस समय पर जो गवर्नर होता है, यहाँ आप नीचे देखेंगे इसके सिग्नेचर के नीचे गवर्नर लिखा हुआ है,
तो जब ये नोट छपा उस समय गवर्नर थे आर.एन. मल्होत्रा, इसी तरीके से जब ये नोट छपा तो गवर्नर थे एम. नरसिंहम या एस. जगन्नाथन. तो एस. जगन्नाथन और जो आपके नरसिंह एम. नरसिंहम है, इनके कार्यकाल के दौरान नोटों की छपाई कम हुई या वो नोट मार्केट के अंदर कम बच पाए, तो इसीलिए वो रेयर हो गए क्योंकि मुश्किल से मिल पाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि किसी का नाम हो जाने से वो महंगा हो जाता है, जो नोट दुर्लभ है मुश्किल से मिल रहा है उसकी कीमत बढ़ जाती है. तो दोस्तों ये एक अमित जी हैं जिन्होंने हमारे को मैसेज किया था, तो हम उन्हीं का मैसेज पे हमने ये एग्रीकल्चर नोट के बारे में बताया. यदि आप भी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए कि किस चीज के लिए. अमित जी को खास तौर से अमित जी को खास धन्यवाद कि वो उन्होंने. तो आपसे भी यही चाहूंगा कि सर यदि आप कुछ किसी चीज की वीडियो बनवाना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए. साथ में ना आप अपने नाम के साथ में अपनी सिटी का नाम सर और फोन नंबर भी दीजिए. हमें मैसेज करने में आसानी होगी और हमें आपको वीडियो का लिंक भेजने में आसानी होगी ताकि हम बता सकें ये आपके कहने पे बनाई गई है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि आपका मैसेज आपको मैसेज किस तरीके से की जाए. फोन नंबर देने के लिए कई बार ये इशू होता है कि पब्लिक में आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप हमारा जो इंडियन हॉबी क्लब का नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है सर, मिलते रहेंगे. धन्यवाद. नमस्कार.